जब भी बात समुद्र के अंदर पाए जाने वाले काल्पनिक दैत्यों की आती है तो सभी के मन में दो ऐसे मॉन्स्टर का नाम आता है जिसके शक्ति के आगे धरती के किसी भी जीवों का टिक पाना असंभव सा हो जाता है। और फिल्मों में इन मॉन्स्टर के बढ़ते क्रेज के कारण कई लोग इसे सच भी मानने की भूल कर बैठते हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करेंगे कि क्या हो अगर एक गॉडजिला की लड़ाई शक्तिशाली कथूलू से हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉडजिला एक विशालकाय प्रीहिस्टोरिक और काल्पनिक सी मॉन्स्टर है जिसे कुछ फिल्मों, टीवी शो और बुक्स द्वारा लोगों के बीच काफी मशहूर किया गया। इसलिए इस काल्पनिक सी मॉन्स्टर के आकार को सभी वर्जन में अलग अलग बताया गया है, जिसमें से पहली बार इस दैत्य को साल 1954 में 164 फीट तक बताया गया। वहीं अमेरिकन वर्जन के अनुसार इसे 400 फीट विशाल प्राणी बताया गया। और समय के साथ साथ कई टीवी शो में इसकी लंबाई 800 फीट तक बताई गई थी। दरअसल इसके बढ़ते लंबाई का कारण है ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण होते रहना। अब मूवी में इस मॉन्स्टर को बिल्डिंग से ऊंचा दिखाना है तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई भी बढ़ते जाएगी। लेकिन मूवी मेकर्स अपने इस गलती को सुधारते हुए इसे साल 2014 को आई गॉडजिला मूवी में 355 फीट विशाल और 99,000 शॉट टन भारी बताया गया। वहीं साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में इसे 394 फीट विशाल बताया गया, जो चाहे तो कुछ ही पलों में ही तबाही मचाकर रख सकता है। मगर गॉडजिला को लोगों का सेवियर यानी रक्षक बताया गया है। वहीं कथुलू को एक ऐसा जीव माना गया है जो कि हमारे धरती का नहीं किंतु दूसरे ग्रह से आकर धरती के समंदर के गहराइयों में बस गया। इस दानव का सबसे पहला उल्लेख एक अमेरिकन लेखक एचपी लवक्राफ्ट ने अपने किताब द कॉल ऑफ कथुलू में किया। कथुलू को लेकर ऐसी चर्चाएं हैं कि ये दानव आज भी समुद्र के गहराइयों में कैद है और ये इस कैद से तभी बाहर निकल पाएगा जब तक कि कोई व्यक्ति या अन्य जीव कथुलू के द्वारा निर्मित शहर रेले को ढूंढ नहीं लेता, क्योंकि कथुलू समुद्र के गहराइयों में एक श्राप के कारण कभी निकल नहीं पाएगा। मगर गलती से भी अगर कोई इसके शहर रेले को ढूंढ लेगा तब ये तुरंत कैद से छूटकर धरती को बर्बाद करना शुरू कर देगा। और अगर कथुलू धरती को बर्बाद करना चाहेगा तो ऐसी भी संभावना है कि धरती की रक्षा के लिए गॉडजिला अपनी नींद से जाग जाएगा या फिर इसे नींद से जगा दिया जाएगा। और ऐसे में गॉडजिला की नजर अगर कथुलू पर पड़ेगी तो दोनों के घमासान को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। ये लड़ाई तभी रुकेगी जब तक कि दोनों में से किसी एक की मौत न हो जाए। और अगर इस लड़ाई में गॉडजिला की मौत होगी तो इसके साथ साथ मानव जाति और इस धरती का भी अंत हो जाएगा। वहीं अगर गॉडजिला इस मुकाबले को जीतता है तो धरती सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन इनके बीच लड़ाई से पहले चलिए दोनों की आकार व शारीरिक मजबूती के बारे में बात करें। कथुलू 150 से 160 फीट तक ऊंचा है और इसका वजन करीब 300 टन भारी है। वहीं नए डेटा के अनुसार गॉडजिला 394 फीट ऊंचा है, यानी कथुलू गॉडजिला के सामने किसी बच्चे के आकार के जितना होगा। इसके साथ ही गॉडजिला कथुलू से 30 गुना ज्यादा भारी है, यानी कि आकार की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि गॉडजिला के आकार के आगे कथुलू की आकार काफी छोटी पड़ जाएगी। और लड़ाई में गलती से अगर गॉडजिला ने अपना एक पैर कथुलू को दे मारा तो कथुलू का वही काम तमाम हो जाएगा। पर चीजें जैसी दिखने में लग रही है ये उतनी सरल भी नहीं है, क्योंकि कई उल्लेखों के अनुसार कथुलू को एक ऐसा जीव माना गया है जिसका मुंह एक ऑक्टोपस की तरह है, जिसमें से 45 टेंटिकल्स बाहर की ओर निकले हुए हैं। लेकिन कथुलू की सबसे ताकतवर बात यह है कि उसके पीठ पर दो पंख भी मौजूद हैं, यानी कि कथुलू गॉडजिला के शरीर पर हवा में उड़कर भी हमला कर सकता है। साथ ही गॉडजिला के बड़े शरीर होने के कारण वो कथुलू के मुकाबले कम अजाइल और कम फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन गॉडजिला की सबसे बड़ी ताकत है उसके मुंह से छोड़ा गया एटॉमिक ब्लास्ट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस विशालकाय दानों का भोजन न्यूक्लियर एनर्जी है, जिसे ये सोख कर जरूरत आने पर अपने दुश्मनों पर एटॉमिक ब्रेथ या ब्लास्ट से हमला करके उसे राख में तब्दील कर सकता है। अब चाहे जीव जमीन में खड़ा हो या आकाश में उड़ ही क्यों ना रहा हो, यानी ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है कि एक गॉडजिला हवा में उड़ते कथुलू पर अपने एटॉमिक ब्लास्ट से उसे धरती पर तुरंत गिरा देगा। लेकिन गॉडजिला को अपने निशाने को बिल्कुल सटीक रखना होगा, क्योंकि ये बात आप जानते होंगे कि गॉडजिला द्वारा छोड़े गए हर एक एटॉमिक ब्लास्ट के बाद इसकी ऊर्जा घटती जाती है
इसलिए अगर गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ को नुकसान करते जाएगा तो एक ऐसा भी समय आ जाएगा कि गॉडजिला में ऊर्जा की भारी मात्रा में कमी पाई जाएगी, जिसके बाद कथुलू ही गॉडजिला पर भारी पड़ जाएगा। साथ ही कथुलू की ताकत यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एचपी लवक्राफ्ट ने अपने किताब में बताया कि गॉडजिला की आंखों को हिप्नोटाइजिंग माना गया है, यानी कि अगर इसके आंखों को एक बार कोई देख ले तो ये उसे सम्मोहित कर लेगा। लेकिन कथुलू की ये ताकत तभी काम करती है जब अंतरिक्ष के सभी तारे निर्धारित रेखा पर हो जाए, और कंडीशन अगर ऐसी ही बनती हो तो कथुलू जरूर गॉडजिला के आंखों में देखेगा। और कथुलू अगर अपने योजना में सफल हो जाता है तो जो गॉडजिला धरती का रक्षक था, अब वही गॉडजिला कथुलू के साथ मिलकर धरती का विनाश करने पर उतारू हो जाएगा, और इस प्रकार एक छोटे आकार का कथुलू गॉडजिला पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर तारे एक निश्चित रेखा में अलाइन नहीं होते और गॉडजिला का निशाना सटीक नहीं भी लगता, तो गॉडजिला कथुलू को जमीन में पटक कर उसे मार डालता, क्योंकि गॉडजिला सभी दैत्यों का राजा होता है। वहीं कथुलू एक एलियन दैत्य है, इसलिए गॉडजिला कथुलू को मार डालता। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें।